सीओसी का कहना है कि कोरोना के खिलाफ कोई भी हिकमत अमली आवाम के तआवुन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। एनसीओसी की ट्वीट के मुताबिक ईद पर 8 से 16 मई तक घरों में रहें, महफूज रहें, अवाम एसओपीज पर मुकम्मल अमल करें। एनसीओसी के मुताबिक ग्रॉसरी स्टोर्स, बेकरी और मिठाई की दुकानें 8 से 16 मई तक शाम 6 बजे तक खुली रखने की इजाज़त होगी। तंदूर और दूध दही की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। टेक अवे की 24 घंटे इजाज़त होगी। होम डिलीवरी, यूटिलिटी सर्विसेज और मीडिया को 24 घंटे काम की इजाज़त होगी। एनसीओसी की ट्वीट के मुताबिक ईद पर 8 से 16 मई तक घरों में रहें, महफूज रहें, अवाम एसओपीज पर मुकम्मल अमल करें। एनसीओसी के मुताबिक ग्रॉसरी स्टोर्स, बेकरी और मिठाई की दुकानें 8 से 16 मई तक शाम 6 बजे तक खुली रखने की इजाज़त होगी। तंदूर और दूध दही की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। टेक अवे की 24 घंटे इजाज़त होगी। होम डिलीवरी, यूटिलिटी सर्विसेज और मीडिया को 24 घंटे काम की इजाज़त होगी। एनसीओसी की ट्वीट के मुताबिक ईद पर 8 से 16 मई तक घरों में रहें, महफूज रहें, अवाम एसओपीज पर मुकम्मल अमल करें। एनसीओसी के मुताबिक ग्रॉसरी स्टोर्स, बेकरी और मिठाई की दुकानें 8 से 16 मई तक शाम 6 बजे तक खुली रखने की इजाज़त होगी। तंदूर और दूध दही की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। टेक अवे की 24 घंटे इजाज़त होगी। होम डिलीवरी, यूटिलिटी सर्विसेज और मीडिया को 24 घंटे काम की इजाज़त होगी।